हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका अगर प्यार चैनल दीपक बायोलॉजी क्लास इन जॉब स्टडर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो है साइंटिस्ट और टेक्निकल असिस्टेंट रिलेटेड वैकेंसीज के बारे में और जानेंगे डिटेल में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरे किसी वीडियो को मिस ना कर सकें। तो देखिए, ये जो नोटिफिकेशन आया है गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर से आया, जो कि एफिलेटेड है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड DST से, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात से। तो यहाँ पे देखिए, जो अगर आप इस नोटिफिकेशन पर जाना चाहते हैं तो आपको यूट्यूब पे आपको गूगल पर सर्च करना है gbrc.gujarat.gov.in। जैसे आप गूगल पे आप जो है ये वेबसाइट डालेंगे तो आपको इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर का। तो आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए अनाउंसमेंट सेक्शन में जाना है और यहाँ पे जो सबसे पहले जो डिस्प्ले हो रहा है वो आपको उस पर जाके क्लिक करना है। ठीक है, देखिए आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा अनाउंसमेंट, न्यूज लिस्ट, अनाउंसमेंट लिस्ट, सारी चीज़ें, ये तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन हम अनाउंसमेंट में देखेंगे तो ये जो अनाउंसमेंट है ये पब्लिश हुआ था 7 अक्टूबर को। तो यहाँ पे देखिए, साइंटिस्ट बी की 9 पोजीशन, टेक्निकल असिस्टेंट की 2 पोजीशन, अकाउंट कम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की 1 पोजीशन, अकाउंटेंट 1 पोजीशन, तो ये सारा यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। तो अगर इसका डिटेल एडवर्टाइजमेंट क्लिक डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको क्लिक करना है यहाँ पे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो ये डिटेल एडवर्टाइजमेंट है वो आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, साइंटिस्ट बी का टोटल 9 पोस्ट है, टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप 3 की 2 पोस्ट है। तो कैटेगरी वाइज भी यहाँ पोस्ट दे रखी है, जनरल, EWS, SN, EBC, SC, ST। तो इस तरह से आपको यहाँ पे जो है सारी पोस्ट देखने को मिलेंगी रिजर्व कैटेगरी में। इसके अलावा वुमेंस के लिए भी यहाँ पे कुछ पोस्ट को जो है यहाँ पे रिजर्व करके रखा हुआ है। ठीक है, तो ये रिजर्व है, ये जो देखिए यहाँ पे वुमेंस के लिए भी रिजर्व पोस्ट यहाँ पे मेंशन कर रखी है। ठीक है, इसीलिए देखिए, अगर आप साइंटिस्ट बी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका स्पेशलाइजेशन बायोटेक्नोलॉजी में होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने मेंशन कर रखा है, प्रेफरेबल स्पेशलाइजेशन एरिया फोर साइंटिस्ट बी ग्रुप 1 के लिए, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी की 2, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी की 2, कंप्यूटेशन बायोटेक्नोलॉजी बायो इन्फॉर्मेटिक्स की 1। तो ऐसे करके आपको यहाँ पे जो है टोटल 9 पोस्ट यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो आप देखिए यहाँ पे साइंटिस्ट भी ग्रुप 1 के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो आपका प्रेफरेबल फॉर एनिमल बायोटेक्नोलॉजी के लिए यहाँ पे साइंटिस्ट भी की पोस्ट को निकाला गया है। तो यहाँ PhD साइंस, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, वेटरनरी साइंस, फार्मेसी, इनमें से अगर किसी में आपका PhD तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एज मोर देन नॉट मोर देन 40 ईयर्स ऑफ एज, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आपको यहाँ पे वन होना चाहिए, आपको अच्छे से जो है आपका कंप्यूटर पे पकड़ होनी चाहिए, जैसे कि आपका MS Word, MS Office, PowerPoint, ये सब आपको होना चाहिए। ठीक है, ये तो दूसरी पोस्ट साइंटिस्ट भी की प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के लिए, यहाँ पे आपका PhD साइंस, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, वेटरनरी साइंस, फार्मेसी, किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप इनमें से किस सब्जेक्ट में अगर आपका PhD है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेम एज नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, एज साइंटिस्ट भी का पोस्ट जो है वो मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी के लिए भी निकाला गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं आप जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो आप उस पोस्ट को जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे स्क्रॉल डाउन करने पर आपको यहाँ पर सारा जो है साइंटिस्ट की टोटल जो 9 पोजिशन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो आप इसी के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दूसरी पोस्ट जो टेक्निकल असिस्टेंट है, यहाँ पे देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका मास्टर डिग्री इन साइंस होना चाहिए, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, वेटरनरी साइंस में, तो यहाँ पे दे रखा है इन्होंने क्लियरली। एज आपका नॉट मोर देन 37 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए, आपका नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में आपका कैंडिडेट शुड हैव एडिक्वेट नॉलेज इन गुजराती और हिंदी और बोथ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आपका हिंदी तो एटलीस्ट आपको आनी चाहिए, अगर आपको गुजराती भी आती है तो आपको यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। मंथली फिक्स पे जो है वो आपका इनिशियल 5 ईयर्स के 38,090 रुपीज़ आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। तो ऐसे आप स्क्रॉल डाउन कर पे यहाँ पे देखिए जो है और भी चीज़ देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे देखिए आपको अपलोड करने के टाइम पे आपको पासपोर्ट होना चाहिए, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, ग्रेजुएट फाइनल ईयर मार्कशीट, पोस्ट ग्रेजुएट फाइनल ईयर मार्कशीट, PhD डिग्री डिक्लेरेशन, नोटिफिकेशन सर्टिफिकेट, ये सारा जो चीज़ है वो आपका होना चाहिए। PhD डिग्री सर्टिफिकेट, CV और रेज्यूम, कास्ट सर्टिफिकेट, तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ पे कुछ अब आपको यहाँ पे जो है और भी चीज़ें मैं बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे तो गुजराती में लिखा है, आई थिंक इंग्लिश में नीचे लिखा होगा। तो देखिए यहाँ पे जो है इस एजुकेशन क्वालिफिकेशन Annexure 1 में दे रखा है, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी के लिए आपके अगर इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में आपका जो है PhD है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के लिए इनमें से अगर आपका किसी में भी जो है आपका PhD है तो आप उसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हमने क्लियरली मेंशन कर रखी है हर साइंटिस्ट भी की पोजीशंस के लिए कि क्या क्या आपका जो एलिजिबिलिटी होना चाहिए, तो आप ये पूरा पढ़ सकते हैं। ऐसे स्क्रॉल डाउन करने पर आप देखिए यहाँ पे जो है आपका सिलेबस फॉर प्रिलिमिनरी टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट भी, तो पेपर 1 दे रखा, पार्ट 1 गुजराती मीडियम। तो देखिए यहाँ पे गुजराती उन्होंने कंपलसरी कर रखी कि आपको एग्जाम दे वो देना ही देना पड़ेगा। गुजराती लैंग्वेज ग्रामर 10 मार्क्स, इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर 10 मार्क्स, जनरल नॉलेज एंड गुजरात हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर, ये सब अगर आपको पता है तो आपका यहाँ पे देखिए 35 मार्क्स जो है वो आपका पार्ट 1 है। तो यहाँ पे देखिए गुजराती मीडियम आपका होना जरूरी है अगर आपको इंट्रेंस एग्जामिनेशन पास करना है।
पार्ट टू इंग्लिश मीडियम है जिसमें बायोटेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड सब्जेक्ट यानी आपके यहाँ पे सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट किया जाएगा, तो 65 मार्क्स। तो टोटल ऑफ पार्ट टू 65 मार्क्स, टोटल ऑफ पार्ट वन पार्ट टू 100 मार्क्स। तो पार्ट वन एंड पार्ट टू सेल बी और ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और यहाँ पे आपको निगेटिव मार्किंग भी 0.25 मार्क्स की रहेगी। ठीक है, अब देखिए मेन टेस्ट जो रहेगा एनुअल बायोटेक्नोलॉजी में, उसमें आपका जो है 200 मार्क्स रहेगा, वो आपका लाइक कोर सब्जेक्ट रहेगा एनुअल बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट लिस्टेड इन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे मेन टेस्ट शैल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, एवरी अटेम्प्टेड क्वेश्चन विल बी आई, तो यहाँ पे आपको निगेटिव मार्किंग भी 0.25 की देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट भी का जो मेन एग्जाम रहेगा, मेन टेस्ट रहेगा, तो इसके लिए भी आपको 200 मार्क्स का रहेगा, और ये आपका जो है सब्जेक्ट जो भी आप लिस्ट करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में उसके बेस पे रहेगा, और आपका यहाँ पे 0.25 जो निगेटिव मार्किंग रहेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए आपका जो है पार्ट वन तो आपको देना ही देना है प्रिलिमिनरी टेस्ट में, और पार्ट टू जो है वो आपका इंग्लिश मीडियम, ये आप देख अच्छे से देख लीजिएगा कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर गुजराती भी आपको यहाँ पे तो गुजराती मीडियम के जो 35 मार्क्स हैं वो भी आपको यहाँ पे देखने ही पड़ेंगे। ठीक है, टोटल यहाँ पे देखिए 100 मार्क्स का है, तो 35 मार्क्स गुजराती मीडियम और 65 मार्क्स आपका जो है बायोटेक्नोलॉजी अप्लाइड सब्जेक्ट का रहेगा। तो आप ये देख के ही लाइक एंट्रेंस एग्जाम को या इसका फॉर्म फिलअप करें कि आपको यहाँ पे जो है गुजराती मीडियम के को भी गुजराती लाइक मीडियम को भी आपको यहाँ पढ़ना पड़ेगा, जो भी उसकी गुजराती लैंग्वेज या ग्रामर, तो ये सब चीज़ें जो है आपको देखना पड़ेगा, गुजरात का इतिहास, गुजरात की जनरल साइंस, हिस्ट्री, तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आप जो प्री निकालना चाहते हैं। प्री निकालने के बाद आपको मेन जो रहेगा सब्जेक्ट रहेगा वो आपका जो है जिस सब्जेक्ट में आपने अप्लाई किया है, तो उस सब्जेक्ट के जो क्वेश्चंस होंगे वो स्पेसिफिकली उसी सब्जेक्ट में होंगे। जैसे अगर आपने एनिमल बायोटेक्नोलॉजी के लिए किया है तो आपके जितने भी टॉपिक्स क्वेश्चंस रहेंगे वो एनिमल बायोटेक्नोलॉजी और जो भी आपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में सब्जेक्ट मेंशन किए हैं वो रहेंगे। ठीक है, तो ये आप बहुत ध्यान से जो इसे पढ़िएगा, तो अप्लाई करने से पहले ये चीज़ जरूर आप पढ़ लीजिएगा। आप देखिए यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट के लिए भी सेम दे रखा है, पार्ट वन आपका रहेगा गुजराती लैंग्वेज एंड ग्रामर यानी गुजराती मीडियम में 25 मार्क्स गुजराती लैंग्वेज एंड ग्रामर, इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर का 25 मार्क्स, टोटल 50 मार्क्स रहेगा। इसके अलावा पार्ट टू जो इंग्लिश मीडियम रहेगा उसमें फंडामेंटल बायोलॉजी, बेसिक बायोकेमिस्ट्री, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, तो ये सारे सब्जेक्ट मेंशन होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 150 मार्क्स आपका इंग्लिश मीडियम और 50 मार्क्स जो है आपका वो गुजराती मीडियम रहेगा। ठीक है, गुजराती मीडियम में यहाँ पे एक अच्छा बात ये कि 25 जो मार्क्स है वो आपके गुजराती लैंग्वेज एंड ग्रामर के रहेंगे और इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर के 25 मार्क्स यहाँ पे रहेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो टोटल यहाँ पे 200 मार्क्स का रहेगा। द मेन टेस्ट जो आपका होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन रहेगा, और एवरी अटेम्प्टेड क्वेश्चन विल बी हैविंग नेगेटिव मार्क ऑफ 0.25। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 0.25 का जो है वो नेगेटिव लाइक आपका यहाँ पे जो है वो आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है, तो ये क्या है इसी सिलेबस फॉर द मेन टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने मेंशन कर रखा है कि यहाँ पे जो आपका प्रिलिमिनरी टेस्ट के लिए होगा वो भी सेम ही रहेगा जो हमने देखा था, साइंटिस्ट पोजिशंस के लिए भी गुजराती मीडियम में 35 मार्क्स और 65 आपका जो है टॉपिक्स है बायोटेक्नोलॉजी अप्लाइड सब्जेक्ट का। इसके अलावा जो मेन टेस्ट होगा टेक्निकल असिस्टेंट का उसमें पार्ट वन गुजराती मीडियम, पार्ट टू इंग्लिश मीडियम रहेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है आप ध्यान देके जो है वो आप भरिएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।